Now next example is the extension of example 6 or previous example programs. Means previous example program के इसमें integer type का value use किया था plus इसका address run किया था inside character pointer. इस video को complete करने से पहले आप complete करोगे previous video then आपके लिए current video easily समझना possible है. In that case remaining things क्या है that one. This is the new things. First one x. X is a integer variable इसलिए x का size क्या है इसके इसमें 2 bytes. इसे x कितनी bytes का name हुआ x is a name of 2 bytes. Next one character start भी one more things x में आसान क्या किया 260. X के केस में आसान क्या रहा 260 directly आसान होगा आसान किस फॉर्म होगा binary format में 260 का binary number क्या था previous केस में भी देखा था आपने this is the binary number of 260 again we are using same value. Next one x के पास total 16 bits है लेकिन data कितने bits में available है 9 bits इसलिए completion के point of view से कितने extra bit add कराने जरूरत है इस केस में 7 more bits इसलिए remaining 7 more bits के आसान करा लेंगे 0 0 0 0 0 0 प्लस ये data finally आसान केस में हुआ inside variable x प्लस x के पास total bits and this will be assigned inside location 101 then next 8 bits will be assigned to the location 100. This details में discuss किया था same concept in previous session. Next one x में 101 location में क्या assign हो रहा है 00001 second part 100 location में क्या assign हो रहा है that things x के respect में बात करें तो x का sign bit किससे represent होगा location 100 or 101 location sign bit is a that bits this one is a considered as sign bit plus a particular bit kis address mein assign hua hai location 101 isliye x ka sign bit kaun sa hai that one. Next things iske just baad p mein kya assign kiya address of x second variable create hoga p p is a name of 2 bytes plus assign kiya aur iske andar address of x x का एड्रेस क्या है 100 इसलिए p में क्या आसान होगा करंटली 100 यानी p किस टाइप का पॉइंटर कैरेक्टर पॉइंटर इसलिए p के थ्रू ओनली 8 बिट्स पॉइंट करना पॉसिबल 1 बाइट पॉइंट करना पॉसिबल नॉट अ कंप्लीट x x का कौन सा पार्ट है कौन सा बिट कौन सा बाइट पॉइंट होगा इससे ओनली लोकेशन 100 के p में क्या स्टोर है 100 ये 100 लोकेशन से ओनली 1 बाइट को पॉइंट करना स्टार्ट करे इसलिए स्टार p कितने बाइट करना है ओनली 1 बाइट प्लस स्टार p का भी साइन बिट कैसा है 0 मींस नंबर इज पॉजिटिव. नेक्स्ट वन सेकंड केस में क्या आसान किया स्टार p इक्वल्स टू 10 जब इस केस में स्टार p में आप 10 आसान करोगे तो रियल में आसान किस प्लेस पर होगा मींस लाइक दैट स्टार p इक्वल्स टू 10 10 किस फॉर्म में आसान होगा अगेन बाइनरी फॉर्म प्लस स्टार p कितने बिट्स का नेम इट इज अ नेम ऑफ 8 बिट्स इसलिए 10 का भी बाइनरी नंबर कितने बिट्स में रिक्वायर्ड है 8 बिट्स में रियल में 10 का बाइनरी क्या है 1010 8 बिट्स में कन्वर्ट करने के लिए ऐड कराएंगे 4 मोर बिट्स देन ए पर्टिकुलर बिट्स आसान किस में लोकेशन स्टार पी में तो स्टार पी में जब असाइनमेंट होगा तो स्टार पी का ओल्ड वैल्यू रिप्लेस किससे हो जाएगा न्यू वैल्यू दिस इज अ न्यू वैल्यू ऑफ स्टार पी. वन मोर थिंग्स अगर आप स्टार पी में चेंजेस करो तो इस केस में एक्स कंप्लीटली चेंज हो रहा है पार्शियली पार्शियल मींस एक्स का ओनली कौन सा बाइट इफेक्ट हुआ लोकेशन 100 नॉट अ लोकेशन 101 और 100 लोकेशन में कौन सा डेटा सेंड किया था दैट वन इसलिए अब सिंक्रोनाइज किससे हो रहा है मैच किससे हो रहा है 1010 दिस इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ x प्रीवियस केस में इस पर्टिकुलर नंबर से वैल्यू क्या मिला था 260 लेकिन इस केस में क्या मिलेगा 256 प्लस 10 इज इट इज इक्विवेलेंट टू मींस इसे रिप्रेजेंट किया 256 प्लस 10 इक्विवेलेंट टू 266 नाउ x बिकम्स 266 लेकिन स्टार p में क्या ओनली 10 इसलिए फर्स्ट प्रिंट एफ से डिस्प्ले क्या हुआ 266 and 10 क्योंकि प्रीवियस पर्टिकुलर असाइनमेंट से x का ओनली 100 लोकेशन मॉडिफाई हुआ ना कि 101 क्लियर इसके अकॉर्डिंगली मैंने चेंज किसमें किया बाइनरी फॉर्म में दैट वंस. नेक्स्ट पी प्लस प्लस p में इंक्रीमेंट कितने से होगा 1 से p का करंट वैल्यू क्या है 100 न्यू वैल्यू क्या आएगा 101 अब p पॉइंट किसको करेगा लोकेशन 101 को तो अब स्टार पी किसका नेम होगा दिस वन विल बी कैंसल्ड स्टार पी किसका नेम है 101 का दिस लोकेशन इज नोन एज स्टार पी. नेक्स्ट अगेन स्टार पी में 2 असाइन किया तो 2 का असाइन होगा उस लोकेशन जिस लोकेशन का नेम स्टार पी है मींस स्टार पी इक्वल्स टू 2 2 भी किस फॉर्म में असाइन होगा बाइनरी फॉर्म में और 2 का बाइनरी क्या है
10 8 बिट्स मीन्स इन स्टार पी 8 बिट का नेम, इसलिए डेटा 8 बिट्स में राइट करेंगे, रिमेनिंग टाइम्स 0 पर्टिकुलर वैल्यू आसानी किस में होगा स्टार पी में, स्टार पी मीन्स इट इज इक्वलेंट टू स्टार 101, तो स्टार 101 में कैसा होगा दैट वन मीन्स 10 मीन्स इस केस में आपको मीन्स अब स्टार पी 101 को पॉइंट कर रहा है, इसलिए इससे मॉडिफाई कौन सा बाइट होगा, फर्स्ट बाइट और सेकेंड बाइट, बिगिनिंग प्लेस मीन्स दैट वन, इसके अकॉर्डिंग करेगा 10 इस पर्टिकुलर बाइनरी फॉर्म के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर बिट से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है 2 to the power 9, 2 to the power 9 इज इक्वल टू 512 प्लस सेकेंड बाइट में क्या 10 + 10 इक्वल टू 522 दिस इज द डेटा स्टोर्ड इनसाइड एक्स, अगेन एक्स के सेकेंड बाइट में चेंजेस किए लेकिन एक्स का वैल्यू क्या हुआ करेस्पॉन्डिंग 522, इसलिए नेक्स्ट प्रिंट टैब में एक्स का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ 522 स्टार बी का वैल्यू का स्टार बी मीन्स ओनली दैट बाइट इज ओनली 2 522 एंड 2 दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम।